लंडन ऑलिम्पिकमध्ये भारताला बॉक्सिंगमध्ये ब्रॉन्झ मेडल पटकावून देऊन इतिहास रचणाऱ्या मेरी कॉमला देखील छेडछाडीसारख्या प्रसंगाला सामोरं जावं लागलं होतं. तिच्या करिअरबाबत आणि तिच्यावर बेतलेल्या या प्रसंगाबाबत तिच्याशी चर्चा केली आहे आमच्या क्रीडा प्रतिनिधी मेघा कुचिक यांनी. 5 वेळेची वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आणि महिला बॉक्सिंगमध्ये भारताला पहिलं ऑलिम्पिक मेडल पटकावून देणारी मेरी कॉम आपल्याबरोबर आहे. आपण तिच्याशी बातचीत करूया. मेरीजी, आप लंडन ऑलिम्पिक के बाद आपने बड़ा ब्रेक लिया, आपको एक बच्चा भी हो गया, पहले 2 ट्विन्स थे, अभी और एक बच्चा हो गया. कैसे एज अ बॉक्सर कैसी ट्रेनिंग शुरू है और आगे का क्या सोच रहे हैं? थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ और जल्दी से जल्दी मैं आने के लिए मैं कोशिश करेगा. नेक्स्ट ईयर में तो ज़रूर पक्का मेरा वर्कआउट शुरू हो जाएगा. एक पत्नी, एक माँ और एक बॉक्सिंग कैसे मैनेज कर लेते हैं तीनों रोल? हाँ, बहुत मुश्किल है माँ बनने में और बॉक्सिंग फिर करने में. कितना मुश्किल होगा अब लोग इमेजिन करो. मेरी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उन्होंने भारत पे ऊपर बैन लगाया है, उसके ऊपर खेल के ऊपर क्या असर होगा भारत के खेलों के ऊपर? हाँ, वो तो वही है, मैं भी सोच रहा हूँ. बहुत दुख हो रहा है कि आगे बच्चा लोग के लिए क्या होगा, उनका फ्यूचर ये ऐसे खराबी हो रहा है. जल्दी से जल्दी एक सोल्यूशन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा. हमारे देश में सुरक्षा का मुद्दा बहुत अहम बन गया है, आपको कभी ऐसा अनुभव आया का? और महिलाओं को सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? इंसिडेंट तो वही था, मेरे रिक्शा में गया और वो जगह बहुत शान सुन है और कोई भी नहीं है. तो उसमें जिस शेर रहा था तो इसमें हम बॉक्सिंग सीख लिया तो फिर मैं मार लिया तो कुछ नहीं कर पाया. वही है, कुछ सीख जाओ और अच्छा ये सेल्फ डिफेंस के लिए आगे में और ये मिला. धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए. तर मेरी कॉम सारख्या महिला बॉक्सरला देखील आपल्या देशामध्ये असुरक्षिततेच्या अनुभवाला सामोरं जावं लागलंय, म्हणूनच मुलींनी सेल्फ डिफेन्ससाठी काहीतरी गेम. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.